प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर हाई लेवल बैठक के बाद वहां शांति बनाए रखने की अपील की है। अफ्रीका दौरे से लौटे पीएम मोदी ने राज्य सरकार को केंद्र की पूरी मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें, ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी राज्य में अमन कायम करने पर जोर दिया है। मेरी गुजारिश है यहाँ के बालदान से इन गोबर छुरामा तमसुन दागे के एक मौज महसूस कर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उलेमा के एक दल ने भी शांति की अपील की है। दक्षिण चीन सागर पर ऐतिहासिक हक जताने की कानूनी लड़ाई चीन हार गया है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर पर 9-डैश लाइन की चीन की थ्योरी को खारिज कर दिया है। चीन 1940 के दशक के एक नक्शे के आधार पर दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर हक जता रहा था। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में दायर हुई फिलीपींस की याचिका पर आए इस फैसले को किसी भी सूरत में मानने से इनकार कर दिया है। दक्षिण चीन सागर पर फिलीपींस के अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान चीन की दादागिरी का विरोध कर रहे हैं। भारत ने भी कहा है कि वो ट्रिब्यूनल के फैसले की समीक्षा कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हिप्तुल्ला ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। भारी उद्योग राज्य मंत्री जीएम सिद्धेश्वरा ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय का कामकाज अब बाबुल सुप्रियो देखेंगे। इसी महीने की 5 जुलाई को पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया था, जिसमें 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई गयी थी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल किया है। कांग्रेस ने राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। राज बब्बर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने साल 2008 में पार्टी की सदस्यता ली थी। राज बब्बर इससे पहले समाजवादी पार्टी से भी सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है और नए अध्यक्ष होंगे राज बब्बर MP। आज हुए फेरबदल में कांग्रेस के 4 वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाए गए, जिनमें सहारनपुर दंगे का आरोपी इमरान मसूद भी शामिल हैं। इमरान मसूद ने 2014 के आम चुनाव में मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। कोयला घोटाले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि पहली नजर में पूर्व CBI डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने रंजीत सिन्हा की विस्टर डायरी को सही पाया है। समिति की जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोयला घोटाले में शामिल आरोपियों से कई बार मुलाकात की थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी रिपोर्ट में यह लिखा है कि वो डायरी उनकी जेन्युइन है और रंजीत सिन्हा ने अपने घर पर पोल स्कैम के अक्यूज से 10, 20, 50, 60 बार मिले। The allegation is correct. He has been meeting people accused on their behalf in his residence again and again. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक की फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में 2012 से पहले 5 साल में करीब 15 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आई है, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिली थी। विदेशी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिला था। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जाकिर नाइक का समर्थन किया है। जाकिर नाइक इस वक्त सऊदी अरब में है, जहां के मदीना से 14 जुलाई को स्काइप के जरिए वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के आज 11वें दिन 4,455 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक अब तक कुल 1,37,719 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके हैं। जम्मू में फंसे करीब 4,000 श्रद्धालुओं का जत्था भी पहुंचना शुरू हो गया है। घाटी में हिंसा की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप था, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालु जम्मू समेत कई जगहों पर फंसे थे। सोमवार को इन श्रद्धालुओं के जत्थे को कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया था।
भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों के हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां लोगों के साथ साथ जानवर भी मुश्किल में हैं। मंदसौर में बाढ़ की वजह से कई जानवर भी बह गए, जबकि उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। गुजरात और राजस्थान में भी लोग बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के 8 जिलों के 213 गांव में 1,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने वहां तख्ता पलट के लिए मुहिम छेड़ दी है। तख्ता पलट के समर्थन में वहां की मूव ऑन पार्टी ने पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इन बैनर और पोस्टर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ से मार्शल लॉ लागू करने की मांग की गई है। पार्टी ने लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा समेत 13 शहरों में पोस्टर और बैनर लगवाए हैं। पार्टी के सेंट्रल चीफ अली हाशमी ने दलील दी है कि 40 दिन तक पीएम नवाज शरीफ की पाकिस्तान से गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहां लोकतांत्रिक सरकार की कोई जरूरत नहीं है। इन बैनर पोस्टर पर पाकिस्तान सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर में आरएसएस और सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या से तनाव फैल गया है। आरएसएस कार्यकर्ता सी के रामचंद्रन के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। रामचंद्रन आरएसएस के भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए थे। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने हत्या से पहले ब्लास्ट भी किया। पय्यानूर में रामचंद्रन से पहले सीपीएम के कार्यकर्ता सीवी धनराज की लाश उनके घर से मिली थी। धनराज पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान सरदार सिंह की जगह पी आर श्रीजेश को सौंपी गई है। यौन शोषण के आरोप की वजह से सरदार सिंह विवादों में रह चुके हैं। हॉकी टीम के नए कप्तान श्रीजेश ने कहा है कि टीम की एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैप्टनशिप इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी और जब ग्राउंड के अंदर जाने के टाइम या आपको पता है मेरे पास वाइस कैप्टन है और जो सीनियर प्लेयर्स है जो अपने जगह पे अपना रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, तो मेरे लिए तो एक इसी वे है। रियो ओलंपिक के लिए आज ही महिला हॉकी टीम का भी ऐलान किया गया है। सुशीला चानू को टीम का कप्तान बनाया गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 साल बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक संकट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री केपी ओली की 9 महीने पुरानी गठबंधन सरकार से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। सीपीएन के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को समर्थन वापसी की घोषणा की और कहा कि नेपाली कांग्रेस के समर्थन से उनकी पार्टी नई सरकार बनाएगी। माओवादी नेताओं ने ओली सरकार पर पिछले समझौतों को लागू न करने का आरोप लगाया है। प्रचंड का आरोप है कि ओली की सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए समझौतों को लेकर गंभीर नहीं है।